सेंटेंडियूस पीजी कॉलेज में अंतर संकाय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत मंगलवार से कॉलेज के प्रांगण में स्थित वॉलीबॉल ग्राउंड पर आयोजित किया गया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता डिग्री कॉलेज के विभिन्न संकायों के बीच खेला जा रहा है। इस मौके पर अंतर संकाय मैच में साइंस डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट के बीच मैच खेलकर अंतर संकाय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जेवियर मारिया राज ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी अंतर संकाय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का साप्ताहिक आयोजन 24 सितंबर से किया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय के विभिन्न संकायों के बीच मैच खेला जाएगा और फाइनल में पहुंचने वाली टीमें 30 सितंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। इस मौके पर डिग्री कॉलेज के अध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंटेंडियूस पीजी कॉलेज शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जेवियर मारिया राज ने बताया। के लिए अति आवश्यक है, लेकिन जहां तक अब तक मेरा नाम है डॉक्टर जेवियर मारिया राज, मैं हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हूँ। हर साल की भांति इस साल भी सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज इंटर फैकल्टी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया है। इसके मुख्य अतिथि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जे के लाल थे और ये टूर्नामेंट 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलेगा। 30 तारीख इसका समापन समारोह है और इसमें डिफरेंट फैकल्टी की टीम भाग लेती है, जैसे कि साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी, लॉ फैकल्टी, कॉमर्स और बीएड फैकल्टी। इनके बीच आपस में मैच होता है, जिसमें फैकल्टी के जो बोनिफाइड स्टूडेंट हैं वही भाग लेते हैं और जीतने का प्रयास करते हैं। और इनके हर साल की भांति इस साल भी वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इन टूर्नामेंट के हम इंटर फैकल्टी टूर्नामेंट कराते हैं। यहाँ से सिलेक्शन होके खिलाड़ी इंटर यूनिवर्सिटी के लिए भाग लेते हैं। फाइनल मैच 30 तारीख को है, सुबह 11 बजे।